जाओ दोस्तों, उस काले चोर को बताओ कि इस सर सब्ज पर किसका राज है। रह गई थी हमारी मोहब्बत में। रुखसार उसके बेटे को हमने पाला, पोसा, बड़ा किया, लेकिन हमें उसका सिला क्या मिला? क्या मिला? क्या मिला? क्या मिला? अरे गरीबी, भूख मरी। अरे भूख के मरने के दिन आ गए हमारे। पर अम्मी, हमने तो अभी भी कबाब और बिरयानी खाया ना। बेटे, वो तो हमने अपना पेट काट कर खिलाया है। अबू, आपका पेट तो पहले से इतना सा है। कितना मासूम है। बेटा गुल्लू, चुप हो जा, सदमे में उलझुल बोलने लगा है मेरा बच्चा। अरे मोहतरमा, बताओगी भी कि आखिर बात क्या हुई? करीम भाई, आपको नहीं पता, अलादीन फरार हो गया है। भाई मेरा भाई, सच, कल रात दावत के बाद से अलादीन गायब है। मुझे तो लगता है वो अपने गद्दार अब्बू की तरह भाग निकला। और रुखसार के पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं है। क्या कह रही हो बेगम? मतलब माँ बेटे शरीफों का पैसा लेकर भाग गए? क्या गलती है इन मासूमों की? ये तो सिर्फ मदद करना चाहते थे। गुलबदन की अम्मी, सिर्फ तुम ही हो जो इनकी मदद कर सकती हो, इनका हक इन्हें दिला सकती हो। अगर इनका पैसा इन्हें दिला दिया तो ये तुम्हें दुआएं देंगे बेगम। अरे दुआओं का क्या अचार डालूंगी? दुआओं के साथ साथ अपनी रकम का 10% भी दे देंगे, क्यों भाइयों? 10%? अरे 10% तो है। दे दोगे? दे देंगे, 10% दे देंगे। मुस्तफा भाई ठीक ही तो कह रहे हैं भाभी जान। अरे हम 10% देने को तैयार है, बस हमें हमारी रकम वापस करवा दीजिए। मिल जाएगा, हो जाएगा। ये पैसे के लिए नहीं, अच्छाई के लिए कर रही है नाज़नीन। हाँ। पर इसके लिए जो मैं बोलूंगी वो आप लोगों को करना पड़ेगा। हाँ अम्मी, मुझे मंजूर है। आप बताइए, ये हुस्न का जादूगर क्या कर सकता है आपके लिए? तू तो बेटा आईने में देख और अपने अब्बू की मार खा। अब्बू, अब्बू, अब्बू। अम्मी, मुझे मंजूर है। आप कितनी अच्छी हो। हाँ भाइयों, मंजूर है? हाँ मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। अब आप लोग सब कुछ नाज़नीन पे छोड़ दीजिए, देखते जाइए नाज़नीन क्या करती है। उंगली नाज़नीन की टेढ़ी होगी और घी निकलेगा रुखसार का। कसम सोने की अशरफियों की। काश टमाटर ही खा लिए होते। मिल गया। क्या मिल गया? पेड़ का पेड़ मिल गया। रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। हमें तुम्हारी मदद की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें हमारी मदद की जरूरत है। पैर भी तोड़ोगी? तुम ही जैसी नहीं हो, वजन है।
कितना वजन है तुम्हारा? लड़कियों से उनकी उम्र और उनका वजन नहीं पूछते। अचानक से हमारे आसपास इतने सारे कौवे कैसे आ गए? जंगल है, इनका घर है, यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? चलो सारे कौन है? हमें तो भागना होगा, भागो। ऊपर वाला घर ही मेरा अलादीन सलामत हो। रात से घर नहीं लौटा मेरा बच्चा। न खाएंगे न नहाएंगे, ऐसे तो वरना हम नहीं जाएंगे। दुनिया लूट ले जाएंगे, हम लोग जाएंगे। दुनिया लूट ले प्यार में, हम लोग जाएंगे। गली गली में शोर है, फिर से शहजादी की पालकी निकलने वाली है। शहजादी की पालकी नहीं बेटा, आज बेशर्मों का जुलूस निकलने वाला है। गली गली में शोर है, वाह बेटा शोर है। सलीम, सलीम सुनो, इस फीके नारेबाजी से कुछ नहीं हो रहा। जैसा मैं कहती हूँ वही जाके कबीर भाई से कहूँ। औकात तुम्हारी दो कौड़ी की नहीं, बड़े आए अपने आप को इब्ने बतूता के खानदान का कहने वाले। अरे थोड़ी खुददारी अपनी भाभी नाज़नीन से सीख ली होती। अगर तुमने हमारे पैसे ना लौटाए तो तुम्हें हमारे घर में 5 साल तक नौकरानी का काम करना पड़ेगा, समझ गए? जाओ जाओ। न खाएंगे न नहाएंगे, पैसे दुनिया लूट गई प्यार में, हम लूट गए उधार में। गली गली में शोर है, मार बेटा शोर है। खाएंगे न नहाएंगे, पैसे हम मानते हैं कि हमारी औकात तुम्हारे सामने दो कौड़ी की भी नहीं है। आखिर तुम इब्ने बतूता के खानदान से जो हो, लेकिन अब हमें भीख मांगने में तुमसे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ हमने तुम्हारी भाभी नाज़नीन से ही सीखा है।
आज अगर तुमने हमारे पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारी भाभी को हमारे घर पर 5 साल तक बर्तन माजने पड़ेंगे। अबू, अरे चुप कर जाओ, अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। क्या बकवास है, क्या नारे लगा रहे हो? तुम्हारी दाढ़ी में जुए पड़ जाए, तुम्हारे बदन में खुजली हो जाए, तुम्हारे खानदान को हैजा हो जाए। चलो रुखसार, तुम मेरे साथ चलो। कसम सोने की अशर्फियों की रुखसार, ये कमबख्त ऐसे नहीं मानने वाले। एक काम करो, जहाँ भी पैसे छुपा के रखे हैं मुझे दे दो, इनके मुंह पे दे मारते हैं। पर भाभी पैसे तो मेरे पास है ही नहीं है? आप ही बताइए, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ऐसे जिल्लत बर्दाश्त करती क्या? भाभी कुछ कीजिए ना, ले जाने के लिए कहिए ना यहाँ से। ठीक है, कोशिश करती हूँ। कहाँ है तू बेटा अलादीन? पानी यहाँ से बह रहा है, इसका मतलब बगदाद का रास्ता इधर है। हाँ चलो, बेटे की तुम बेहोश हो गई, उठो। अलग बाहर निकल आएगा। चलो, कसम सोने की अशर्फियों की, बेकार में नारेबाजी कर करके अपना गला फाड़ रहे हो। वहाँ तो फूटी कौड़ी नहीं है, गए आप लोगों के पैसे। अरे ऐसा मत कहिए, कोई तो रास्ता होगा ना। हाँ, कोई तो रास्ता होगा। अब एक ही रास्ता है, जाके सूबेदार अकबर से शिकायत लगाओ, वो ही उसे सलाखों के पीछे डालेंगे और तुम्हारे पैसे दिलवाएंगे। हाँ सही कह रही है चाची जान। आप चाची होगी तेरी अम्मी, मैं तो भाभी हुई ना। हाँ भाभी जान सही कह रही हैं। चलो भाइयों, चलो चलो। कसम सोने की अशर्फियों की, अब देखती हूँ रुखसार। क्या पैगाम लाए हैं तुम्हारे ये परिंदे? आपके शिकार हमारे जाल की ओर बढ़ रहे हैं जनाब। मेरे दोस्त उनका बहुत ख्याल रख रहे हैं। अब उन्हें मेरे कालीन के जाल से कोई नहीं बचा सकता।
काली का जाल। शुक्र है ऊपर वाले का कि उन काले कौवे से हमारी जान बच गई। अब काली चोरनी पहले इस काली चोरनी की चोट देखनी होगी, लेकिन इसे लेटाऊं कहां मैं? हाँ रुको रुको रुको, ये कालीन किसने बिछाई होगी? किस घने जंगल में कालीन? पिंजड़ा कहां से आ गया? मजबूत पिंजड़ा है, टूट ही नहीं रहा है। चिराग, लेकिन ये चिराग तो पिंजड़े के बाहर है। चिराग किसी और के हाथ नहीं लगना चाहिए। मम्मी कहती है तीन दिगाड़ा काम बिगाड़ा, पक्का पक्का ये तीनों उस मच्छर के हाथ में होंगे। क्या करूं? आ जाओ। क्या करूं? कुछ भी नहीं आ रहा। नकचड़ी के बस्ते में दिखता हूँ, शायद कुछ ऐसा निकले जिससे हम इस पिंजड़े के बाहर निकल सके। ये सब क्या है? इत्र की सीसी, सुरमा, ये लड़कियां बिना चोरी करने को ये सब लेके निकलता है क्या? क्या करूं? ये क्या है? शीशा? ये देखो इसमें नई तकनीक है। देखो इस जैसे किसी भी कांच से सूरज की रोशनी को सही जगह मोड़ दें तो थोड़ी देर में आके चोले बड़े गुटते। बेटे की तुम, देखता हूं कि बुलबुल चाचा की तरकीब काम आती है कि नहीं। मुबारक हो जनाब, आपका काला चोर और उसका चेला दोनों ही मेरे कालीन के जाल में फंस चुके हैं। हुड़ हुड़ मुच्छर, हुड़ हुड़ मुच्छर। आखिर काला चोर हमारे जाल में फंस ही गया।
धूप। मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है, मुझे यहां आग लगानी होगी ताकि मैं इस चिराग को बचा सकूं इन लोग से। जादुई चिराग, चढ़े हुए चमन, काले चोर को पकड़ के तुमने हमारा दिल खुश कर दिया। इस बात का इनाम जरूर मिलेगा तुम्हें। हुड़ हुड़ मुच्छड़, चलो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.